बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग यह नहीं जानते कि अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में व्हाट्सएप कैसे चलाएं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा कि अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप कैसे चलाएं या व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करें। अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाने के दो तरीके होते हैं। पहला ये कि आप अपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों तरीका बताते हैं कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले व्हाट्सएप को लैपटॉप में चलाने का या आपके कंप्यूटर में चलाने का पहला तरीका बताते हैं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में व्हाट्सएप को कैसे चला सकते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। क्रोम ब्राउज़र ही अच्छा ब्राउज़र होता है, आप इसे को ओपन कर लीजिए और ऊपर सर्च कीजिए व्हाट्सएप वेब, व्हाट्सएप और स्पेस WEB वेब। इतना लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। इंटर जैसे प्रेस करेंगे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप वेब का, आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे व्हाट्सएप वेब की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो आपको बार कोड दिख रहा है इसी से आप अपने व्हाट्सएप को इसमें लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो पे देख सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए कुछ तो चलिए हम बताते हैं अब इसके आगे क्या करना है। इतना करने के बाद आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है व्हाट्सएप वेब का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक स्कैनर खुल के आएगा और उस स्कैनर को इस कोड से स्कैन करा देंगे तो देखेंगे आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। यहाँ पे जितने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ऊपर से यहाँ पे आप उनका स्टेटस देख सकते हैं, उन्होंने स्टेटस क्या लगाया है। यहाँ से आप न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, जो ऑप्शन आप व्हाट्सएप मोबाइल में चलाते थे एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लॉगआउट करना है तो ये लॉगआउट कर सकते हैं, और किसी का आपको प्रोफाइल देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कंप्यूटर में एप्लीकेशन डाउनलोड करके व्हाट्सएप चलाने का। तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे गेट इट हियर लिखा है, व्हाट्सएप इज़ अवेलेबल फॉर विंडोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ गेट इट हियर पे क्लिक करेंगे आप, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये दूसरा तरीका है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और डाउनलोड व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका 32 बिट का है तो आप 32 बिट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका 64 बिट का है तो 64 बिट क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस वक्त 64 बिट ही अलाउ कर रहा है, तो मैं 64 बिट का मेरा लैपटॉप है तो मैं इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है जो कि 124 MB की है। तो इसे डाउनलोड होने के बाद हम इसे लॉगिन करेंगे। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से आप अपने विंडो को मिनिमाइज़ करेंगे और देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप सेटअप के नाम से आइकन बन के व्हाट्सएप का आ गया है। अगर आपका ये डेस्कटॉप पे नहीं मिल रहा है तो आप इस PC में जाके यहाँ डाउनलोड में चेक कर सकते हैं, इसमें आपका ज़रूर आ जाएगा। तो इतना करने के बाद आप अपने ये व्हाट्सएप सेटअप को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप का योर PC सेटिंग ओनली लेट इट इंस्टॉल वेरीफाइड ऐप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सेटिंग पे क्लिक करेंगे। आप सेटिंग में जाके यहाँ पे देखेंगे अलाउ ऐप फ्रॉम एनीवेयर, आपका सेट होगा अलाउ ऐप फ्रॉम द स्टोर ओनली, तो आप इस पर क्लिक करके सेट कर लेंगे। इसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे और अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे व्हाट्सएप सेटअप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहाँ पे इंस्टॉल के लिए मांगेगा अपने सेटअप को, आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप ये इस बार कोड को उसी तरह रीड कराएंगे जैसे मैंने अभी अभी व्हाट्सएप वेब में बताया था। आप अपने
मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करेंगे उसी तरह जैसे व्हाट्सएप वेब में किए थे, और ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन व्हाट्सएप वेब का मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। और देखिए इससे पहले हमने व्हाट्सएप वेब पर लॉगिन किया था, तो आप यहाँ से लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके लॉग आउट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए फिर से स्कैनर खुल के आ जाएगा। फिर इस स्कैनर को अपने इसी बार कोड के सामने लाइए, इस तरह स्कैन करने के बाद देखिए ये स्कैन करेगा और आपके व्हाट्सएप को ओपन कर देगा। देखिए ये होता है एप्लीकेशन के द्वारा आपके अपने व्हाट्सएप को चलाना। इसे आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, किसी भी क्लिक करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया व्हाट्सएप चलाने का, एक आपको व्हाट्सएप वेब के द्वारा कि आप इस व्हाट्सएप वेब के साइट पर आके कर सकते हैं, और दूसरा तरीका कि आप व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप को चला सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।